नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 1 नवंबर 2020 से लेके 30 नवंबर 2020 तक के टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्लास जो होगी हमारी, ये एक रिविजन क्लास होगी, इसको आप एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। देखो, मॉर्निंग में जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चलती है उसमें हम हर क्वेश्चनों को डिटेल से कवर करते हैं, लेकिन इसे आप एक टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आप ये देखिएगा काउंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने एस्मा लागू किया है, बताइए। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। देखो, आप साथ साथ काउंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बर्किना फासो। कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यूएई। यूएई क्या होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अल वनीकरण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा है, यानी डीसेलिनेशन प्लांट को सेटअप करने वाला कौन सा चौथा राज्य है भारत का, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मास्क बैंक का उद्घाटन कहां हुआ है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। मास्क बैंक का उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। जगन्नाथ थोड़ू योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसको स्टार्ट किया है किसने, आंध्र प्रदेश ने। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों यानी एसटीजी इन्वेस्टर मैप को लॉन्च किया है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना ये है डी, बोथ ए और बी, यानी यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया, इन दोनों ने साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप को लॉन्च किया है भारत के लिए। किस राज्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। देखो आप काउंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, और फिर उसको आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा। पीएम मोदी के एक कथन के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में किस रैंक पर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है ये चौथे नंबर पे है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सोंग डैम पेयजल परियोजना निर्माण किस शहर में होगा, बताइए। तो देखो इसका आंसर है देहरादून। ये जो सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है इसका निर्माण कहां पर होगा, इसका निर्माण होगा उत्तराखंड के देहरादून में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहां हुआ है, तो प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है, अभी हाल ही में जो ये निवार साइक्लोन है ये आया और इसने तमिलनाडु वाले एरिया में काफी नुकसान किया, इसी के लिए तमिलनाडु की सरकार ने एक कंपेंसेशन पैकेज की अनाउंसमेंट की है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है बी, फिनलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिडबी ने किस राज्य में एमएसएमई परिस्थिति की तंत्र विकसित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना यह है तमिलनाडु, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो भी हाल ही में विजय कुमार सिन्हा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में चुने गए हैं, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है सी, 16। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। भारत ने किस देश के साथ 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आभासी रूप से आयोजित किया है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, म्यांमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लचित दिवस किस राज्य का एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, आसाम। ये जो लचित दिवस है ना
ये असम का एक क्षेत्रीय और सार्वजनिक अवकाश है, यानी एक रीजनल पब्लिक हॉलिडे है असम का। किस राज्य सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया है जो कोविड-19 टीके के वितरण से संबंधित देखरेख करेगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, महाराष्ट्र। भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 और वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अमेरिका। ये जो समझौता 10 साल के लिए और बढ़ाया गया है, ये भारत ने अमेरिका के साथ बढ़ाया है। किसके ऊपर? परमाणु ऊर्जा के ऊपर। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सरकारी स्कूलों को विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से गोद लिया गया है, तो बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई क्षेत्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है? देखो, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया है। विलो, ये देखो, ये बर्ड है, नाम क्या है? विलो वॉर्बलर। पक्षी को देश में पहली बार किस शहर में देखा गया? तो देखो, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसको पहली बार केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पर इसको देखा गया है। किस राज्य ने क्लैप मॉड्यूल नामक परियोजना लॉन्च की है, बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटक। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जापान और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व यानी प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एडीबी अपने सदस्य विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराएगा, बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, $20 मिलियन, यानी $20 मिलियन की सहायता एडीबी ये उपलब्ध कराएगा। 2020 की एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मलेशिया। अभी हाल ही में मलेशिया ने 2020 की एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। क्या आंसर होगा? मलेशिया। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, तो बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का असम आंसर सही है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है, बताइए। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, तो ब्रिटेन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये फैसला लिया है अभी ब्रिटेन की सरकार ने। 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए किसको? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ए, सुधा मूर्ति। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको 21वें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, ये एक नाम है वैरायटी, किसकी है बताइए? नाम क्या है? देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, रोरिडोमाइसिस हाइलोस्टैकिस। ये किसकी वैरायटी है? तो देखो, ये वैरायटी है मशरूम की। देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक बार नजर में आ जाएगा तो एग्जाम में अगर यही नाम सीधा आएगा तो आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। किस राज्य के गवर्नर ने इसरो के अध्यक्ष को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है, बताइए किस राज्य के गवर्नर ने? तो बीस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के जो गवर्नर है। नाम क्या है कर्नाटक के गवर्नर का? वाजुभाई वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताइए। तो 2023 में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे कौन रहा है, बताइए। तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है हांगकांग को। बीस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिम्बेक्स 2020 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, बताइए।
इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना अभियान शुरू की है? तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आंध्र प्रदेश। याद रखेगा ये जो अभियान, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार का। नेविगेशन प्रणाली के लिए IMO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है बताइए? तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, नाम क्या है? विनीशा उमाशंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है डी, मध्य प्रदेश। देखो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक काउ कैबिनेट का गठन भी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2020 में किस राज्य में लगभग 68,000 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम शुरू किया है बताइए? इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। अमेरिका ने किस देश के साथ 5 वर्षों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं बताइए? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ताइवान के साथ ये 5 सालों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? अमेरिका ने ताइवान के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है बताइए? तो देखो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है। किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है, नैनीताल। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम को राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है। सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ बताइए? तो देखो ये अभी हाल ही में अंडमान सी में ये स्टार्ट हुआ है। देखो ये 3 देशों की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। नाम क्या है 3 देशों के अगर पूछा जाए? भारत, थाईलैंड और दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें सिंगापुर। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है, वल्चर। वल्चर क्या होता है देखो अगर आसान भाषा में समझें, जो जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी जंगलों में रहती है तो उससे किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, उनको ये वल्चर जो होते हैं ना ये उनको मतलब खाते हैं जिससे उनके द्वारा एनवायरमेंट बेकार ना हो। तो एक तरीके से ये वल्चर एनवायरमेंट को मेंटेन करते हैं। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है बताइए? तो देखो इसमें जो पहला स्थान मतलब उत्तर प्रदेश को ये जो मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार का जो दर्जा दिया है ये दिया है उत्तर प्रदेश को। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो देखो हर घर नल योजना की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में की गई है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अशोक कुमार को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है बताइए? तो अभी हाल ही में अशोक कुमार को DGP उत्तराखंड का DGP अपॉइंट किया गया है। DGP क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण आयोजित हुआ। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की है बताइए? क्या आंसर होगा? देखो इस क्वेश्चन का डी, स्कॉटलैंड सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने COVID-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने COVID-19 वैक्सीन से संबंधित जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है इसी को एड्रेस करने के लिए ये हेलो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। किसने? UN ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना शुरू की है बताइए? तो इस क्वेश्चन का पंजाब आंसर सही होगा। कर्नाटक ने कब तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कर्नाटक ने 2025 तक बायो इकोनॉमी क्रिएट करने का एक टारगेट फिक्स किया है। कब तक? 2025 तक।
किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो बताइए किस शहर को दिया गया है, किस शहर के पुलिस स्टेशन को? तो कोहिमा पुलिस स्टेशन को ये ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट दिया गया है। किस देश के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो देखो अभी हाल ही में जापान के जो सांसद हैं उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। फ्रांसिस्को सगस्ती किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में ये फ्रांसिस्को सगस्ती ये पेरू के राष्ट्रपति बने हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक TRIS 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 77वां यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, 77 रैंक प्राप्त हुई है इंडिया को। किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो देखो डगलस स्टॉट, फिर से बोलता हूँ डगलस स्टॉट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको बुकर प्राइज 2020 मिला है। कहां से टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू हुई है बताइए? तो देखो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल ये स्टार्ट हुई है कहां पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन सभी को ये कवर करेगा। मोल्डोवा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव अभी हाल ही में किसने जीता है? तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, माया सेंडू ने। ये जो मोल्डोवा देश है ना इसके राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने ही जीता है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो बताइए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर बन गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितने शहरों को चुना गया है? तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत से टोटल 4 राज्यों को चुना गया है, सॉरी 4 शहरों को। किसने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी नई रणनीति अपनाई है? तो देखो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। कहां पर विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ देखा गया है? तो ये भी हाल ही में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है केन्या, वहां पर विश्व का एकमात्र व्हाइट जिराफ को देखा गया है केन्या में। बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो अजय कुमार को अभी हाल ही में बुरुंडी में नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ए अजय कुमार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है बताइए? तो देखो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखेगा महाराष्ट्र में ये एशिया का पहला सोलर टेक्सटाइल मिल को सेटअप किया जा रहा है, कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बताइए? तो देखो ऋचा चड्ढा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको अभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिश्र और किस देश के बीच नाइल्स ईगल्स वन नामक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो बी सुडान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुडान कहां पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किस क्षेत्र में किया जा रहा है? देखो इस बार इसके 2 चरण हो रहे हैं। एक चरण इसका हो गया है कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा चरण वहां है अरेबियन सी में। तो यहां पर पूछा है सेकंड चरण यानी सेकंड फेज, तो ये हुआ था नदन अरेबियन सी में, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है अरेबियन सी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तिनसुकिया जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है किस राज्य में स्थित है बताइए? तो देखो ये आसाम में लोकेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये तिनसुकिया जो ऑयल फील्ड है ये किस राज्य में है, तो ये असम में स्थित है। पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है बताइए? तो देखो इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। पंजाब का स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद ये एक्टर है, इनको पंजाब का स्टेट आइकॉन के रूप में अपॉइंट किया गया है। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो देखो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने कीप योर माउथ शट कैंपेन को लॉन्च किया है। कौन सा देश 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा? तो देखो ये करेगा अपना देश भारत। केथम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है केथम झील, याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो देखो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है?
तो ये अभी हाल ही में बनी है रेणु देवी। रेणु देवी बिहार की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। अभी भारत ने आशियन फंड में कितने मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो देखो अभी हाल ही में $1 मिलियन की भारत ने आशियन फंड में अनाउंसमेंट की है देने के लिए। COVID-19 सुरक्षा मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 900 करोड़ रुपए की ये अनाउंसमेंट की गई है। किसमें? COVID-19 सिक्योरिटी मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? तो देखो इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को, उड़ीसा की सरकार ने ये सांस अभियान को लॉन्च किया है। नवंबर 2020 नरेंद्र मोदी ने कितने आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो ये टोटल 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया एस जयशंकर ने। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सादत रहमान ने। सादत रहमान ये कहां से हैं? ये बांग्लादेश से हैं। साइबर बुलिंग के लिए इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार को जीता है। किस राज्य के सीएम ने 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ में ये किया गया है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी कहां पर है? ये आसाम में स्थित है। किस राज्य यूटी ने COVID-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है बताइए। तो ये किया भी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने। किस राज्य के कड़प्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कड़प्पा जिला है आंध्र प्रदेश में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने ये प्रोजेक्ट एयर केयर को लॉन्च किया है। किस लिए? एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? कर्नाटका में। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है बताइए? केरला, गोवा, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसमें रहा है केरला पहले नंबर पर। क्या है ये? इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये मिशन रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में कहां पर? झारखंड की विधानसभा में। किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा असेंबली में। हरियाणा की जो विधानसभा है वहां पर ये राइट टू रिकॉल बिल को पास किया गया है हरियाणा की विधानसभा में। किस राज्य ने देश में MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये थे हमारे इस डिस्कशन के टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन। देखो ये सभी 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।